पहले मरहले का चुनाव होना है और इस दौरान रियासत की छह सीटों पर वोटिंग होनी है जिनमें से एक है शहडोल बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर बीजेपी ने यहाँ हिमांद्री सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस सीट पर फुंदे लाल सिंह मार्को को उतारा है जहां मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की सीटें मालवा निमार में ज्यादा है तो वहीं शहडोल भी ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है विध की शहडोल लोकसभा सीट शुरू से ही रिजर्व रही है 2023 के असेंबली चुनाव में शहडोल लोकसभा में आठ सीटें थी उसमें से सात पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस को जीत मिली थी और अब लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर दोनों पार्टियां इस सीट पर जोर लगाती नजर आ रही हैं। चलिए आपको उम्मीदवारों के दावे भी सुना देते हैं शहडोल में इस बार अवाम के मन में क्या है और अवाम किस पार्टी पर भरोसा जताती है ये तो आने वाले 19 अप्रैल को फैसला ईवीएम में लॉक हो जाएगा और चार जून को पता चलेगा कि आखिर शहडोल की आवाम का मन किस तरफ डोला ब्यूरो रिपोर्ट सलाम टीवी